मैम आज 7 मेंबर्स ने स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के लिए नॉमिनेट किया था, 3 भारतीय जनता पार्टी, 4 आम आदमी के थे। इलेक्शन कमीशन से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है जो वोट्स की कैलकुलेशन करता है, उन्होंने पूरा वोट काउंट करने के बाद, पूरा देखने के बाद रिजल्ट शीट बना के मेयर मैडम के हाथ में दे दी। जो रिजल्ट शीट दी है उसमें 3 भारतीय जनता पार्टी और 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद जीत कर आए हैं, लेकिन मेयर मैडम उन वोटों में से जो कि वो पास कर चुके हैं कह रही है मैं एक वोट को नहीं मानती और मैं इसको कैंसिल करूंगी, और वो अपने 3 मेंबर की जगह 4 डिक्लेयर करना चाह रही हैं। मेयर को कोई राइट नहीं है इलेक्शन कमीशन की जो कैलकुलेशन है उसको चेंज करने का। उन्होंने कहा हमने 5 आदमी भारतीय जनता पार्टी से अपने फेवर में करके वोट ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, राजनीति है, चलती है, कोई शिकायत भी नहीं होगी तो अपनों से होगी, उनसे क्यों होगी। लेकिन अगर वो रिजल्ट को बदलती हैं सरेआम आप लोगों के सामने, तो आप बताइए हम क्या करें, क्या करेंगे, अभी क्या स्थिति रहने वाली है। मैम क्या बताएं, मतलब हमें तो समझ में नहीं आ रहा, इतना गुंडागर्दी भी थी और सब कुछ चल रहा था, लेकिन अंधेर गर्दी दिन में अगर दिल्ली में चलेगी तो मैम हम भी क्या कर सकते हैं, ये आपसे भी सवाल है और जो हमें समझ में आएगा हम करेंगे। इनवैलिड किया गया, क्या कारण बता रही है? या नहीं गया, वो कर रही है, क्या कारण बता रही है? वो कह रही है जैसे मुझे वोट मिलनी है, 1-2 मुझे किसी ने वोट दिया, मेरी 1 से ही मेरी वोट पूरी हो गई, मुझे 2 की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरा नंबर पूरा हो गया, तो मैं 2 को काउंट नहीं करूंगी। वो जो 2 है वो 2 बार लिखा है, उसका कोई रीजन नहीं बनता, किसी ने पेन नहीं चला होगा, कोई कारण हो गया होगा तो 2 बार लिख दिया होगा, ठीक है ना। हम भी तो बटन जब बैलेट डालते 2 बार डाल देते थे, वो इनवैलिड नहीं होती। और नंबर 2 उस वोट की हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो 1 से कंप्लीट हो रहे हैं। तो मैम ये अंधेर गर्दी आपके सामने हो रही है, गिनती के लिए जो अधिकारी आए थे उन्होंने 3 भारतीय जनता पार्टी को क्लियर किया है और 3 आम आदमी पार्टी को क्लियर है, 1 कैंडिडेट हारा है आम आदमी पार्टी। मान रहे हैं इस चीज को, मतलब आप रिजल्ट को मानते हैं? मैम जो इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट है वो तो हम मान रहे हैं, पर मेयर मैडम तो वो शीट ही नहीं दिखा रही ना, वो कह रही है कि जो मैं कहूंगी, मैं मेयर हूं। आप देखिए म्युनिसिपल सेक्रेटरी बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का बंदा 2-3 बार आकर समझा चुका है कि मैम ऐसे नहीं होता, बट वो ऐसे करती हैं। मतलब उनका जो एटीट्यूड है वो आपके सामने है, वो उस रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर रही जो है, अपना अलग से रिजल्ट करके फ्रॉड करके डिक्लेयर कर रही है।